साढ़े ग्यारह बजे हम लोग जो रखे हैं फेयरवेल ऑफिशियली वो गेस्ट हाउस में, और एचओडी को भी मेरा रिक्वेस्ट है सर सब लोग आ जाए साढ़े ग्यारह बजे गेस्ट हाउस में सर फेयरवेल में। Hi everyone and welcome back to my channel Saints Nest. मैं रूबी सेन, आप सब कैसे हैं? I hope you all are doing well. मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं फिर से लेके आई हूँ और एक रिटायरमेंट पार्टी का पूरा ब्लॉग। और ये रिटायरमेंट है आलम भाई साहब का जो कि हुआ था 31 जनवरी 2024 और ये मॉर्निंग का व्यू है जहाँ पे वीसी चल रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन क्लिक करना मत भूलिए ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए एंड यू विल बी द फर्स्ट वन टू सी इट। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल विद फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है सेंट्स नेस्ट और मेरा फेसबुक पेज है सेंट्स नेस्ट। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा किस तरह से आप अपना रिटायरमेंट पार्टी को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और क्या क्या आपको चाहिए उसके लिए पूरा आइडियाज आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को टिल एंड तक जरूर देखें। रिटायरमेंट हर एक के लाइफ में वन टाइम ये आता ही है और इसे पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। रिटायरमेंट दैट्स व्हेन यू रिटर्न फ्रॉम वर्क वन डे एंड से हाय हनी आई एम होम फॉरएवर। ऑफन व्हेन वी थिंक वी आर एट द एंड ऑफ समथिंग We are at the beginning of something else. Office का ये farewell pic है और उसके बाद ये है घर का decoration. You can see बहुत ही beautifully decorate किए हैं Mrs. आलम ने अपने घर को flower से और बहुत ही अच्छे से decorate किया गया है। और ये है मॉर्निंग का व्यू जब आलम भाई साहब घर लौटेंगे ऑफिस के फेयरवेल के बाद, तो घर में उनका वेलकम किया जाएगा। और नाउ अडेज बहुत सारे प्रॉप्स अवेलेबल है अमेज़ॉन पे, मीशो पे, रिटायरमेंट प्रॉप्स, और उससे आप घर को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं और ये सारे प्रॉप्स से आप फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं। केक कटिंग भी होगा, केक भी बिल्कुल तैयार है यहाँ पे, चॉकलेट केक, आरती का थाल भी बिल्कुल तैयार है और साथ में है बुके, बुकेस भी तैयार हैं। सारे मेहमान भी धीरे धीरे आ गए हैं और सब लोग बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं कि कब आलम भाई साहब आएंगे और उनका वेलकम होगा। डाइनिंग टेबल में भी सारा स्नैक्स और स्वीट्स आइटम से अच्छे से डेकोरेट किया गया है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुली इसे भी डेकोरेट किया गया है और सभी लोग वेट कर रहे हैं फॉर द गेस्ट। बहुत ही ब्यूटीफुल कोट्स है रिटायरमेंट पे, आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। रिटायरमेंट इज अ टाइम फॉर सेलिब्रेशन, यू कैन फाइनली एंजॉय योर रिटायरमेंट टू द फुलेस्ट विथ नो वरीज अबाउट वर्क और मंडन रूटीन्स। इट्स टाइम टू स्टार्ट डूइंग ऑल दोज एक्साइटिंग थिंग्स यू नेवर हैड टाइम फॉर बिफोर। रिटायरमेंट इज मोर फन देन वर्क एंड यू नेवर हैव टू मेक एक्सक्यूजेज। Retirement is not the end of the road, it is the beginning of the open highway. कितना beautiful और inspirational ये सारी quotes हैं। ये सारी quotes को सुनने के बाद कितना अच्छा लगता है, कितना inspiration मिलता है life में।
आरती का स्थल सज गया है और आलम भाई साहब भी आ रहे हैं बैंड बाजे के साथ, और साथ में है फोक डांस ग्रुप। आप देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल इन लोग डांस करते, एक जैसा इन लोग साड़ी पहने हुए हैं वाइट विद रेड बॉर्डर, और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। सब लोग गजरा लगाए हुए हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है देख के। और हम लोग सब अभी गेट की तरफ जा रहे हैं और उन्हें वेलकम करने के लिए विद बुके से, और उनका आरती उतारने। दोनों पकड़िए। ऊपर देखिए, ऊपर कैमरा को भी देखिए, कैमरा को भी देखिए प्लीज। अब आपको किचन में ज्यादा समय देना भैया, इतना अच्छे से पूरा एक एक सोच के रखे। केक कटिंग होने के बाद बहुत सारे पिक्स लिया गया, और उसके बाद लंच हुआ फॉलोड बाई लंच, और उसके बाद रात की तैयारी शुरू हो गई। और रात को पार्टी था ऑर्चर्ड होटल झारसुगड़ा में, और वहाँ पे भी बहुत ही अच्छा केक कटिंग हुआ, बहुत अच्छा पार्टी हुआ, खाना तो बहुत ही बढ़िया था और बहुत इंजॉय किए हम सब ने। बैकग्राउंड म्यूजिक के कारण यहाँ पे मैं म्यूट रख रही हूँ, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया पार्टी था, हमने बहुत सारे पिक्स लिए और बहुत एंजॉय किए, और बहुत मेमोरेबल था ये रिटायरमेंट पार्टी। और हम सब फ्रेंड्स मिलके बहुत डांस किए और बहुत ही एंजॉय किए। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ये ब्लॉग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन क्लिक करना मत भूलिए ताकि मेरी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए एंड यू विल बी द फर्स्ट वन टू सी इट। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आप सबसे ऑन माई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग। Till then, bye bye, stay safe, stay strong, stay healthy, and just stay connected with me.